ये आपका कोल एंड पेट्रोलियम का पहला लेक्चर होने वाला है और आज मैं साथ में कुछ रिवीजन एक्सरसाइज भी करूंगा प्रीवियस चैप्टर्स के, ओके, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट को देखते रहना है। आप लोग क्या होता है, आगे की चीज पढ़ते चल जाते हो और पीछे की चीज भूलते चल जाते हो। नहीं, टाइम निकाल के देखो, ऐसा करो, करना चाहिए। देखो जब सीनियर क्लासेस में आओगे या फिलहाल अभी ही हो, जब आगे पढ़ने लगते हो तो हफ्ता दो हफ्ता बाद आप पीछे आके पुराने चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को बना लिया करो, ओके। तो मैं आपके साथ वैसे बीच बीच में डिस्कस तो करते ही रहूंगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ओके। तो बच्चे आंसर्स देंगे, ऑब्वियसली आपको मालूम होंगे इनके आंसर सिंपल है। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा सर? होगा सर मर्करी और ब्रोमीन लिक्विड। मर्करी एंड ब्रोमीन, मर्करी एंड ब्रोमाइन, ब्रोमीन, ब्रोमाइन। इट्स ओके। देखो, मेटल, सिर्फ एक ही मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज मर्करी। एक ही मेटल है मर्करी जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जो ब्रोमीन। ओके, मर्करी एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है ना, ब्रोमीन नॉन मेटल। और नॉन मेटल दैट साइन एक आयोडीन, सोडियम। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। अ मेटल व्हिच इज कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, यस, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम, यस यस, ओके, एक बार बोलो, मैं सुन रहा हूँ बेटा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड डैश ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम लोग कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं बताइएगा? देखो बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन सर, एसिडिक ऑक्साइड, सर एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जिनको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पानी से जब रिएक्ट करेगा, ये सब जब पानी से रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाएगा, ओके, सब पानी में एंटर करने के बाद एसिड बनाएगा, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में एंटर करेगी तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगी, H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी। NO2 जब पानी में एंटर करेगा तो दोनों एसिड बनती है, नाइट्रिक और नाइट्रस साथ में बनेगी। P2O5 पानी में जाएगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगी, ठीक है ना। वैसे ही मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक, अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। एक पोटेशियम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव, फॉस्फोरस क्या हो गया, फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। ओके, हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड, डायमंड, डायमंड इज हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड, ओके, डायमंड हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है। डैश इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन, आई रेयन, रेयन, रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल। देखो बेटा, एक बार आंसर बोल देने के बाद दोबारा रिपीट मत करो, मैं सुनता हूं, ओके, वी हैव गॉट दैट मच टेक्नोलॉजी कि आपकी आवाज मुझे एक बार में सुनाई देती है, ठीक है ना।
रेयन इज आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. डैश डैश एंड डैश यूज्ड फॉर मेकिंग नाइलन. कोल वाटर एंड एयर. कोल वाटर एयर. कोल एयर वाटर. कोयला पानी और हवा के मिला के हम लोग नाइलन बनाते हैं. नाइलन एक फुली सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल फाइबर बोला जाता है. फुली सिंथेसाइज्ड क्यों? क्योंकि ये कोई भी प्लांट से नहीं लिया, कोई भी चीज प्लांट या एनिमल से नहीं लिया. ओके, उन्होंने फुली सिंथेटिक आर्टिफिशियल प्लांट और एनिमल. ठीक है. पॉलिस्टर इज अ पॉलीमर ऑफ. सर पॉलिस्टर एक ईस्टर की पॉलीमर होती है. ओके. डैश एंड डैश आर यूज्ड फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ्स. गर्म कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या और क्या? वूल. वूल एंड सिल्क. वूल एंड आर्कलेट. सिल्क वूल एंड आर्कलेट. सर आर्कलेट. वूल एंड आर्कलेट. Yes, wool and acrylic. Wool एक natural fiber है जिसके मदद से हम लोग sweaters बनाते हैं जो हमें sheep से मिलती है. और acrylic एक artificial fiber है जो अच्छे हमें गर्म कपड़े भी से मिलते हैं. और acrylic जो artificial fiber है वो काफी cheap होती है, बहुत सस्ती होती है. काफी वैरायटीज ऑफ कलर में वो डाई की जाती है. काफी वैरायटी ऑफ रंग के मिलेंगे आपको. गर्म कपड़े हम लोग उनसे बनाते हैं. नेक्स्ट. डैश प्लास्टिक कैन बी माउल्डेड एंड डैश कैन नॉट. कौन सा प्लास्टिक को माउल्ड किया जा सकता है? कौन सा प्लास्टिक को डिफरेंट डिफरेंट शेप बार बार दिया जा सकता है? गला दो फिर नया, फिर गला दो. थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं माउल्डेबल. वो बेंड होती है, हीट करने से बेंड होती है. तो थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक को हम लोग बोलेंगे. थर्मोप्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं माउल्डेबल प्लास्टिक. ठीक है ना. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग को आप माउल्ड नहीं कर सकते. थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी माउल्ड. एक बार जो इसकी सेटिंग हो गई तो दोबारा आप कोई कुछ नहीं कर सकते. थर्मोसेटिंग के एग्जांपल बेकेलाइट और मेलामाइन रख सकते हो. और प्लास्टिक के एग्जांपल्स आप बहुत सारे हैं. पीवीसी है, प्लास्टिक्स है, पॉलिथीन है. पॉलिथीन सारे हैं एग्जांपल. थर्मोप्लास्टिक. फोर आर्स. फोर आर जो नेचुरल. रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिकवर. यस. Reduce, recover. Okay. Sir, 8 number question per question. 8 per. क्या बोल रहे बेटा? 8 number question एक बार एक कल दीजिए ना. कर देंगे. Reduce, recover, recycle or reuse. देखो ये 4 R है. 4 R जो प्रकृति के लिए हम लोगों ने बनाए हैं. Reduce हमें नेचुरल चीज हो या आर्टिफिशियल चीज हो उनकी यूज को कम करना चाहिए. ठीक है ना. रिकवर हम लोग कर सकते हैं. कोई चीज यदि बर्बाद हो गया तो उसको हम इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं. उससे वो लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में उसको कन्वर्ट कर देगा. रिसाइकल मतलब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो प्लास्टिक रिसाइकेबल हो है ना. थर्मो प्लास्टिक. रीयूज कोई भी चीज का रीयूज कर सकते हैं. जैसे एक पॉलिथीन है ना. और प्लास्टिक का डब्बा है तो फेंकने के बजाय आप उसका रीयूज. तो कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये वाला क्वेश्चन. यस सर. पॉलिस्टर इज अ पॉलीमर ऑफ ईस्टर. पॉलिस्टर बनी हुई है छोटे छोटे ईस्टर के मॉलिक्यूल्स. ओके. ईस्टर को आप समझ लो मोनोमर. और छोटे छोटे ईस्टर को मैंने रिपीट कर दिया तो हमें मिल गई पॉलिस्टर. ओके. और ईस्टर वो
चीज होती है जिसके वजह से जो फलों में मीठा खुशबू आता है ना वो ईस्टर होता है। ठीक है, आइडिया क्लियर? ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, काम आएंगे ऐसे। वीडियो बंद करो बच्चा, ऑन ऑफ। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट या क्वेश्चंस को लिख लो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स टाइम, फिर मैं सिलेबस को आगे ले चलूंगा। मिटा दू? चलिए सर बोल रहे। अच्छा ले लो, थैंक यू। ओके इट्स ओके। ओके मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, रिवीजन एक्सरसाइज है, काफी काम आएंगे एग्जामिनेशन टाइम। ओके चलिए आज हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर 1। ओके द फर्स्ट लेक्चर, चलिए वी डील विद कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में एंटर करने से पहले कुछ स्मॉल डिस्कशन आपके साथ में कर लेता हूं, एक लाइन लिखता हूं। वी यूज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, हम लोग बहुत प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी बहुत प्रकार, वी यूज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। ओके अब ये बहुत प्रकार के मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके उनमें कुछ मटेरियल हमें प्रकृति से मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल। ओके उन्हें मैनमेड मटेरियल्स जो मटेरियल्स को इंसान बनाते हैं हम मैनमेड। तो हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है कि कुछ हम लोगों को मैनमेड मटेरियल्स और कुछ नेचुरल मटेरियल्स को देखना है। तो नेचुरल मटेरियल की यदि बात हो जाए तो बहुत कमी नहीं है, आप एग्जांपल काफी दे सकते हो, क्योंकि हम लोग लास्ट चैप्टर में
फाइबर्स के बारे में पढ़े ही नेचुरल फाइबर्स सिंथेटिक नेचुरल मटेरियल का बात हो गया तो उल उल एक नेचुरल मटेरियल यदि बात हो जाए आपकी उड तो उड भी एक नेचुरल मटेरियल है यदि बात हो जाए कोल कोयला कोयला भी एक नेचुरल मटेरियल है यदि हम बात करें पेट्रोल हर दिन हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं पेट्रोल पेट्रोल भी एक नेचुरल डीजल डीजल से भी गाड़ियां चलते हैं ये भी एक नेचुरल मटेरियल तो नेचुरल मटेरियल यदि लिखना पड़े तो कमी नहीं है बहुत सारे नेचुरल मटेरियल हमारे आसपास मिलते हैं और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा कि आप कम से कम 20 नेचुरल मटेरियल जो आप यूज करते हो अपने लाइफ में सोच के ऐसा होमवर्क ओके आपके दिमाग में बहुत सारे 20 आप बहुत सारे जो होते हैं जैसे मोबाइल हमारा तो मोबाइल है ये मैनमेड मटेरियल टीवी हमारे यहाँ टेलीविजन है टेलीविजन वो भी एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है आर्टिफिशियल मटेरियल आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है सब्सटेंस ओके रेफ्रिजरेटर फ्रिज सर इंडक्शन कार है ना फैंस ये सारे मैनमेड है इंसान ने इसे तैयार किया ओके और सपोज आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात तो क्लियर हो गई थी होगी कि हम लोग इंसान बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन उनमें बहुत सारे चीज प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलती है तो इस डायरेक्ट उन डायरेक्ट मिलते सीख से प्रकृति से वुड भी डायरेक्ट लकड़ियां कोल डायरेक्ट नेचुरल मटेरियल से मिलती है हम लोग खदान से निकालते हैं पेट्रोल और डीजल की भी आप लोग मानते हो माइनिंग होती है और इन सबको हम बनाते हैं ठीक है ना इन सबको हम बनाते हैं तो नेचुरल और मैनमेड मटेरियल्स की कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में पॉइंट किए ओके अब यदि थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए नेचुरल और मैनमेड मटेरियल को यदि हम डेफिनेशन वाइज देखें तो a material that is directly obtained from nature a material that is directly obtained from nature directly ekdam direct nature ke lete a material that is directly obtained from nature जो चीज एकदम डायरेक्ट प्रकृति से ली जाती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल मटेरियल ओके एग्जांपल पढ़ेंगे आपके सामने और यदि थोड़ी सी बात हो जाए मैनमेड मटेरियल जिनको हम आर्टिफिशियल मटेरियल भी बोलते हैं मैनमेड हेलो सर स्लैश आर्टिफिशियल हेलो सर मटेरियल A material that has been prepared, a material that has been prepared by the efforts of human, by the
एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन इंसान ने अपने एफर्ट या अपने दिमाग से या अपने ताकत से या अपने मतलब स्किल का इस्तेमाल करके सर ओके इंसान अपने सर मेडिसिन किसमें आएगा क्या बोल रहे हो बेटा सर मेडिसिन मैनमेड है नेचुरल मेडिसिन मैनमेड है ओके आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलोगे तो वो नेचुरल हो जाएगी ड्रग्स जो हम लोग दवाई खाते हैं एलोपैथिक वो मैनमेड है ओके जो इंसान ने अपने ताकत से बनाया है अपने स्किल से बनाया है उन्हें हम लोग बोलेंगे मैनमेड या आर्टिफिशियल ये तो सिंपल नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स आई गिव यू 2 मिनट्स टाइम हेलो सर हाँ पूछिए कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है वो भी पूछ लो सर मेरे स्क्रीन पे लिख रहा है मंजीत महाराज बैंडविड्थ नेटवर्क इज वेरी लो और सर आपका स्क्रीन बहुत छोटा हो गया बोर्ड भी बहुत छोटा हो गया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यस सर क्या बोल रहे हो बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है सर मेरे स्क्रीन पे लिख रहा है मंजीत महाराज नेटवर्क बैंडविड्थ इज वेरी लो और सर बोर्ड बहुत छोटा हो गया स्क्रीन भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड ओके 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 बेटा मैं रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना 2 मिनट रुक जाओ यस यस सर ओके अब सब सही होगा बेटा वो थोड़ी यस सर यस सर यस सर सब सही है बेटा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ओके ओके सर चलिए देखिए वी यूज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे टाइप ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और जो मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो पर्टिकुलरली दो टाइप की नेचुरल टाइप मैनमेड टाइप जो नेचुरल मटेरियल होते हैं उनके कुछ एग्जांपल हैं वुल ऊन जो होता है वुड लकड़ियां कोयला पेट्रोल डीजल ये सब हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिलती है तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल मटेरियल ओके मोबाइल टेलीविजन रेफ्रिजरेटर कार फैन ये सब इंसान अपने एफर्ट से बनाया है कि नहीं तो इंसान जो चीज को अपने एफर्ट से बनाया है उसे बोला जाता है मैनमेड ओके डेफिनेशन वाइज देखा जाए बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी अ मटेरियल ऐसे चीज जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिलता है जो चीज हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिलता है ये सब डायरेक्टली प्रकृति से हमें मिलती है इन्हें हम बोलेंगे नेचुरल मटेरियल ऐसे चीज जो इंसान अपने ताकत से बनाता है अपने मेहनत से बनाता है अपने स्किल से बनाता है उसे हम बोलते हैं मैनमेड सब्सटेंस ओके चलिए थैंक यू और कोई दिक्कत आप लोगों को होगी स्क्रीन में तो प्लीज आप लोग मुझे बोलना उधर से फिलहाल आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो और नहीं तो लिख लो जल्दी से हो गया सर ओके चलो आगे बढ़ते हैं चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ नेक्स्ट हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डील करना है तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को पहले हेलो सर हाँ बेटा सर आपका वीडियो पॉज हो गया ठीक हो गया सर आ रही है यस सर अब आ रही है ठीक है
नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स को आप इन डेप्थ पढ़ना। नेचुरल रिसोर्स बेसिकली दो टाइप की होती है, एक एग्जॉस्टिबल और एक इनएग्जॉस्टिबल। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले देख ही लेते जो कैटेगरी होती है इसकी, दो पार्ट में हम लोग डिफाइन कर लेंगे। एग्जॉस्टिबल, ओके, और द नेक्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हम उनको बोलते हैं जो समय के साथ खत्म हो जाए। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स समय के साथ खत्म हो जाएगी और इनएग्जॉस्टिबल प्रकृति में कभी नहीं खत्म होने वाली। जैसे देखो बात बात करते हैं सॉयल का, मिट्टी, आप मिट्टी का जितना भी इस्तेमाल कर लो मिट्टी क्या खत्म होगा? नहीं। एयर, हवा का, हवा का जितना भी इस्तेमाल करो हवा को कुछ नहीं होने वाला है, हवा रहेगा, जितना सांस लेना लो हवा खत्म नहीं होने वाली। सूरज की रोशनी, सनलाइट, सूरज से आने वाली रोशनी भी कभी खत्म नहीं। ओके, ये इनएग्जॉस्टिबल, वही है एग्जॉस्टिबल की बात करूं तो डीजल, पेट्रोल, ओके, पेट्रोल है, डीजल है, फिर वुड्स है, लकड़ियां, इन सब को हम लोग यदि वाइस यूज नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगी। तो यदि हम लोग डेफिनेशन वाइज चेक करें तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस जो है the resources that will get over within a certain period of time. Exhaustible resources, जैसे हम लोगों ने देखा पेट्रोल, डीजल, वुड्स, कोयला, exhaustible है, क्या है the resource, ये वो चीजें हैं जो get over, जो खत्म हो जाए, ये ऐसे चीजें जो खत्म हो जाएगी within a certain period of time, कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका वाइज यूज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जितनी जल्दी नहीं बन रहा है, ये तो नेचुरल प्रोसेस से बनती है। We will see that natural resources जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ही बनेंगे। तो नेचुरल प्रोसेस से जो चीज बनते हैं उनको बनने में समय लगता है, दैट टेक्स टाइम। ओके, कहानी यहाँ पे ये है कि प्रकृति समय ले रहा है। मान लो कोई चीज के बनने में 100 साल लगता है, अब इंसान उसको 20 साल में ही खत्म कर, तो फिर तो 80 साल तक वो अवेलेबल नहीं है। फिर मानो 100 साल बाद तैयार हुआ तो फिर 5 साल में खत्म कर दिया इंसान, तो वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगी। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस का हमेशा वाइज यूज करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। जैसे पेट्रोल है तो उसे समय करना चाहिए कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी तो तेल जलेगा उसमें, डीजल जलेगा उसमें, तो एक साथ 50 आदमी तो आ जाते हैं, पर हम अपना बाइक लेके जाएंगे तो सिर्फ अकेला आदमी जा पाएंगे। हमें बहुत कम कोशिश करना चाहिए कि अपना गाड़ी कम ही यूज करें। बहुत हमारा आदत भी होता है लोगों का बिना मतलब का बाइक लेके घूमते रहते हैं, पर बिना मतलब का बाइक लेके नहीं घूमना चाहिए, काम है तभी निकलो। बिना मतलब का घूमोगे तो पेट्रोल डीजल खत्म होगी और आने वाले जनरेशन को वो चीज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीडली कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स हैं प्रकृति के जो एक पर्टिकुलर समय के बाद खत्म हो जाएगी यदि हम लोग वाइजली यूज नहीं करते।
ठीक है ना। और एक वही हम लोग यदि देखते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में, ओके, हम लोग नेचुरल रिसोर्स देखते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स देखते हैं, ओके, रिसोर्स दैट विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, वो रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं, वो रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। एग्जांपल आप जितना सांस लेना ले लो, जहाँ मिट्टी को जहाँ नहीं जाना ले जाओ, सूरज की रोशनी है जितना आपको धूप में सोना है सो लो, वो खत्म नहीं। तो सर इन स्टेबल रिसोर्स के बारे में कल डिस्कस। हेलो सर, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो खत्म नहीं हो। सूरज की रोशनी कभी खत्म हो जाएगी? आप धूप में एक घंटा बैठ जाओगे ज्यादा तो क्या सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो कल फिर आएगा, शाम हो जाएगा, फिर दूसरा दिन आएगा। सूरज हमेशा रहेगा इस नेचर में, ये नेचर जब तक है और तब तक वो अपना रोशनी हमें देगा और उस रोशनी से हमें बहुत चीज मिलेगी। मिट्टी, मिट्टी भी कभी खत्म नहीं होगी। हवा, हम सांस जब तक लेंगे हम लोग जिंदा है जब तक हवा हमें मिलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो जो चीज कभी खत्म नहीं होगी उन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो खत्म हो जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। We will see fossil fuels. देखो fossil fuels क्या होती है, ध्यान से समझिए। Exhaustible natural resource. Fossil fuel किसको बोलते हैं? Exhaustible natural resource that are formed from. Okay. Exhaustible natural resource that are formed from remains of dead plants and animals. Okay, exhaustible natural resource, wo natural resource jo खत्म हो जाएगी, ओके, वो नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो जाएगी और जो बनती है फ्रॉम डेड, जो चीज मर गया, जो प्लांट मर गया, जो एनिमल्स मर गए और धरती के नीचे डिपोजिट होते चले गए, उनके मदद से फॉसिल फ्यूल्स बनता है, ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स किनको बोलते हैं? उन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स को बोलते हैं जो बनी है मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल्स से। आपको बहुत अच्छे से ये चीज को ध्यान रखना है। फॉसिल फ्यूल्स हम किसको बोलते हैं? वो एग्जॉस्टेबल फ्यूल, वो खत्म हो जाने वाली नेचुरल रिसोर्स जो बनी है मरे हुए पेड़ या एनिमल्स। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स के डिफरेंट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज कोल।
कोयला, यू विल सी सबसे पहले कोल, ओके कोल हम देखेंगे। कोल क्या होती है सबको मालूम होगा, इट इज अ हार्ड स्टोनी मास, इट इज अ हार्ड स्टोनी मास, हार्ड होती है स्टोन की जैसी होती है, ओके और ये भी बोल सकते हो हार्ड स्टोनी ब्लैक मास, काले कलर का होता है, इट इज अ हार्ड स्टोनी ब्लैक मास, ओके कोयला। इट इज यहां से देखिएगा, इट इज अ हार्ड स्टोनी ब्लैक मास, इट इज यूज्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, it is used since prehistoric times for cooking purpose, for cooking purpose, आदि मानव काल से बहुत पीछे युगों से कोयला का इस्तेमाल होता है क्या के लिए, prehistoric time मतलब आदि काल से starting से हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग करते थे कोयला, okay coals coal were also used to run steam पहले जमाना में जो स्टीम से मतलब भाप से चलता था कोयला से चलने वाला ट्रेन आपको मालूम ही होगा, पहले जमाना में कोयला से चलने वाला ट्रेन, कोयला के मदद से हम लोग स्टीम जनरेट करते थे उससे ट्रेन चलती थी, तो स्टीम सिर्फ कोल बनाने से था, कोयला का इस्तेमाल होता था, ओके गॉट इट, तुझे कोई दिक्कत नहीं, तो कोई पहले जमाने अब आप लोग स्टीम इंजन वाले ट्रेन बहुत कम हो गए हैं, ओके कोल इज also used in thermal power plants, power plants to generate electricity. देखो thermal power plant में बिजली बनाने के लिए हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, ओके तो कोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, वो चीज जो खत्म हो जाएगी और बनी है मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, ओके कोयला क्या होती है एक हार्ड ब्लैक कलर्ड स्टोनी सब्सटेंस होती है, इट इज यूज्ड सिंस प्रीहिस्टोरिक टाइम, हम लोग आदिकाल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, कोल इज आल्सो यूज्ड टू रन स्टीम इंजन्स चलाने के लिए काम आता था पहले, कोल इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल, okay if you have any doubt you can ask from this screen otherwise you can move no down. sir boliye no sir kuch nahi chaliye jaldi likh lijiye ya koi doubt ek minute time le raha hu okay aage badhe Yes, sir.
नेक्स्ट टॉपिक विल बी सी हमें कोयला के अंदर भी पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कोल. ओके क्या हुआ था 3000 ईयर्स अगो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड. 3000 साल पहले 3000 मिलियन ईयर्स अगो बोल सकते हो या 3000 मिलियन ईयर्स अगो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड. ऐसे लिख लो 3000 मिलियन ईयर्स अगो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड. नेचुरल कैलेमिटीज डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट. नेचुरल कैलेमिटीज आई जैसे कि बाढ़ आया, अर्थक्वेक आया, ये सब फॉरेस्ट बर्बाद हो गए, जितने भी जानवर थे वो मर गए, पेड़ वेड़ गिर गए. ओके ओवर द ईयर सॉइल स्टार्टेड डेपोजिटिंग ऑन इट. Okay, over the years, soil started depositing on it. समय आगे जैसे बढ़ा गया मिट्टी उसके ऊपर लेयर बनाते गए, ठीक है ना? Under the impact of under the impact of temperature and pressure. Coal was formed. Okay. ये हो गया. 3000 साल पूर्व बहुत घने-घने जंगल, natural calamities जैसे बाढ़ आई, earthquake आई, सब जंगल खत्म हो गया, टूट गया, जानवर मर गए. समय के साथ मिट्टी की layers उसके ऊपर जमते चले. Over the year, layers of soil. Layers of soil started depositing on it. Layers of soil is to got it? Soil is to upar badhte gaya. Okay? Under the impact of temperature, aap koi cheez ke upar mitti badhte jayega to kya hoga? Pressure badhega na, jyada mitti ka layer hoga to pressure uske upar badhega. है ना, कोई चीज को दबाओगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, उस पर प्रेशर का इंपैक्ट बढ़ते गया, टेम्परेचर भी बढ़ते गए, क्योंकि कोई चीज को मिट्टी से ढकते जाओ तो टेम्परेचर भी नीचे बढ़ेगा. तो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, लास्टली वो जो मरे हुए प्लांट्स थे, मरे हुए एनिमल्स थे, वो कोयला का रूप ले. ओके, वो कोयला का रूप ले लिया. तो कोयला कैसे बनी, आई सपोज आप लोगों को समझ आ गई. ओके, बहुत सिंपल थी कोल की फॉर्मेशन, मतलब घने घने जंगल थे, आप देख सकते हो 3000 ईयर देखो डेंस फॉरेस्ट एग्जिस्टेड, डेंस घने घने जंगल एग्जिस्ट करती थी. नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़ आया, बर्बाद कर दिया जंगल. समय के साथ मिट्टी के लेयर्स उस पर चढ़ते गए और टेम्परेचर और प्रेशर के इंपैक्ट में आने के बाद वही मरे हुए पेड़ और ये कोयला बन गया, ठीक है ना? सर आपका म्यूट हो गया. माइक ऑफ. ओके, अंडरस्टूड. तो कोल की ये फॉर्मेशन हो गई बेटा. ओके,
तो नेक्स्ट आपको ये मालूम होनी चाहिए कोल कंटेन्स कार्बन विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड। देखो कोयला में कार्बन होता है, कोयला में कार्बन होता है, कोयला में क्या होता है कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोल कंटेन्स कार्बन, कोयला में कार्बन होता है, कार्बन जब जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, याद रखना है। एक आपको और टर्म याद रखना है कार्बोनाइजेशन, द स्लो कन्वर्शन ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल एंड वेजिटेटिव रिमेन्स इनटू कोल। देखो कार्बोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको जानना है, इसका डेफिनेशन आप दिमाग में रखें। कार्बोनाइजेशन हम उस स्लो प्रोसेस को बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन हम उस स्लो प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे प्लांट्स या वेजिटेटिव रिमेन्स, प्लांट्स या वेजिटेटिव रिमेन्स मतलब वेजिटेटिव रिमेन्स उसी को बोलते हैं, पेड़ पौधा इत्यादि को बोलते हैं, प्लांट्स और वेजिटेटिव रिमेन्स कोयला में बदल जाता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। आपको ये दिमाग में रखना है और ये प्रोसेस काफी स्लो है, स्लो कन्वर्जन बहुत स्लो है। ओके आई सपोज आपको याद रहेगी, तो आपको कोई भी इश्यूज है स्क्रीन में तो आप उससे पूछ सकते हो, एल्स और एक्सेस जो हमारे डील करने हैं कोल के बाद दूसरे नेचुरल रिसोर्स की वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ये भी देखेंगे कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। ओके तो आई सपोज यू कैन हैव नोटेड ऑल दिस थिंग्स, तो मीट यू इन द नेक्स्ट। Thank you for today. Thank you. Thank you, sir.